हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फॉर आपकी टेक्निकल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा मीटर की यूनिट निकालना, यानी इस मीटर की यूनिट कहाँ से निकालेंगे, और कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि एक यूनिट कितनी होती है, यानी आप कितनी बिजली खपत करते हैं तो आपका एक यूनिट बढ़ता है यानी एक यूनिट होता है। तो दोस्तों, मैं पूरा कैलकुलेट करके बतलाऊंगा इस वीडियो में, तो देखें मेरे वीडियो को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक। और दोस्तों, चलिए हम बतलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मीटर की यूनिट हम निकालते हैं कैसे, सो बतलाते हैं। यहाँ पर सो कहाँ करती है मीटर की, इस मीटर की करेंट यूनिट या पिछले मंथ की यूनिट, सो हम बतलाते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करके बतलाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, इस देखिए ये ब्लैक वाली जो पुश बटन है, इसे 4-5 पर क्लिक करेंगे तो ये करेंट मंथ का यूनिट दिखलाएगा, शो करेगा। और दोस्तों ये पिछले 6 मंथ का भी यूनिट शो करती है, तो हम चलिए बतलाते हैं। देखिए, हमने यहाँ से क्लिक करूँगा, देखिए ये करेंट मंथ का यूनिट है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रेस कीजिएगा तो ये पिछले मंथ का यूनिट दिखला रहा है। इसी तरह 6 मंथ, पिछले 6 मंथ का यूनिट आप क्लिक करते जाइएगा तो पिछले 6 मंथ का यूनिट दिखलाएगा। यहाँ पर देखिए कोना में मंथ लिख रहा है, ये 5 मंथ का है, ये 6 मंथ का है। तो दोस्तों इस तरह से आप मीटर की यूनिट देख सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके बतलाते हैं कि एक यूनिट जो बढ़ती है, एक यूनिट होती है, आप कितने बिजली की खपत करते हैं तो एक यूनिट होती है। दोस्त चलिए हम बतलाते हैं कैलकुलेट करके। तो दोस्तों आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक यूनिट कितनी होती है, एक यूनिट कितना बिजली खपत होता है तो एक यूनिट होती है। तो दोस्तों मान लिया जाए कि हमारे पास 100 वाट का एक बल्ब है, हम एक बल्ब लेकर चलते हैं, 100 वाट का एक बल्ब है। और दोस्तों 100 वाट का एक बल्ब लैंप। अब दोस्तों अगर इसे 100 वाट का बल्ब है और इसे हम 10 घंटा रेगुलर यूज करते हैं, यानी 10 आवर इसे हम रेगुलर यूज करते हैं, अब कितना वोल्ट पर, दोस्तों ये वोल्ट पर भी निर्भर करता है, तो कितना वोल्ट पर, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, ठीक है, 220 से 240 वोल्ट तक इसे अनिवार्य है। 100 वाट का एक बल्ब और 10 आवर और 220 और 240 वोल्ट के बीच में अगर यह रेगुलर 10 घंटा जलता है तो एक यूनिट होता है, ठीक है, एक यूनिट होता है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि अगर हम घर में 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे हो हैं और वह 10 घंटा 220 और 240 वोल्ट के अंदर जलता है तो एक यूनिट का रीडिंग मीटर बतलाएगा, अगर मीटर सही हो तो। तो दोस्तों इस तरह से आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो फिर अपने घर में लगे इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेट करके भी आप पता लगा सकते हैं कि मेरा एक दिन में कितना यूनिट उठता है, कितना यूनिट का बिल आता है। तो दोस्तों इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बताया मीटर में भी कि यूनिट कहाँ से निकालते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एक यूनिट कितना होती है, यानी कितना बिजली खपत करने पर एक यूनिट होती है, वो बतलाया। तो दोस्तों घर में लगे हुए बहुत इंस्ट्रूमेंट होती है जो बहुत डिफरेंट वाट के होते हैं, कोई 100 वाट, कोई 1000 वाट, कोई 500 वाट, 750 वाट की, तो सभी इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि यह कितना वाट की है। तो दोस्तों इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और इसके बगल वाले भी बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे चैनल वीडियो पर बहुत सारे इस तरह के टेक्निकल वीडियो अपलोड किए हुए हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।